हेलो गाइस, केम सो मजा में मैं हूँ जला प्रदेश, आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले भाई एक्सयूवी 700 के पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जी हाँ, एक्सयूवी 700 के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। तो इसके पहले नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो इसका पहला नेगेटिव और सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो इसका वेटिंग पीरियड। भाई इसका जो वेटिंग पीरियड है वो एक साल डेढ़ डेढ़ साल तक भी चला जाता, तो ये काफ़ी एक तक ख़राब बात है कि आप कार बुक कराए आज और आपको मिल रही है 2023 या 24 में, तो एक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली बात है। और दूसरा इसका जो नेगेटिव निकल के आता है वो है इसकी माइलेज। इसकी ओवरऑल माइलेज देखिए पेट्रोल और डीजल में तो दोनों उतना अच्छा आपको एग्रेसिव नहीं दिए जाते। आपको डीजल में 17 की माइलेज क्लेम की जाती है और आपको पेट्रोल में है वो 15-16 की माइलेज वो क्लेम की जाती है। तो ऐसे आपको माइलेज है वो इस गाड़ी पे दी जाती है, तो एक मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि आपको इतना कम ये गाड़ी है वो माइलेज दे रही है। एज़ कम्पेयर टू द ह्यूंडई अल्काज़ार है वो डीजल में आपको काफ़ी अच्छा मतलब 19 या 22 की आपको माइलेज दे दी है डीजल में, और पेट्रोल पर भी काफ़ी अच्छे आपको एवरेज दे दीजिए। जो टाटा सफारी के डीजल की भी बात करें तो वो भी आपको 17-18 की एवरेज है वो आराम से दे देती है टाटा सफारी। एंड इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट है उसकी बूट स्पेस एंड ओवरऑल इसके थर्ड रो स्पेस भी देखें तो काफ़ी कम है। अगर आप इसे प्रॉपर 7 सीटर के हिसाब से आप मान रहे हो तो आप एक्सयूवी 700 मत लीजिए, आप टाटा सफारी या ह्यूंडई अल्काज़ार पे जा सकते हैं। उन पे आपको काफ़ी अच्छी एक स्पेस वाइज भी मिलेगा एंड उसमें आपको प्रॉपर बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिलता है एज कम्पेयर टू द एक्सयूवी 700। सो अब भाई बात करते हैं एक्सयूवी 700 के पॉजिटिव की। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है ये गाड़ी एकदम फीचर रिच है। इसमें आपको भाई एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा, एडीएस मिलेगा, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग आएगी इसके, जो आपको ओवर पूरे गाड़ी में देखे तो आपको काफ़ी अच्छे का फीचर मिलेंगे। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ आएंगे, 10 इंच के एंटरटेनमेंट स्क्रीन आएंगे, 10 इंच के आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी आपको डिजिटल मिलेंगे। एक तरफ से देखें तो आपको पूरी गाड़ी को फीचर के साथ लोडेड मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके जो इंटीरियर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आपको फ्रंट के जो दोनों सीट है आपको वेंटिलेटर मिलेगा एंड ओवरऑल इसके सीट की कंफर्ट की अगर हम बात करें काफ़ी अच्छा इसका जो सीट कंफर्ट वो निकल के आता है। आप इसे लॉन्ग ट्रिप पे भी जाओगे तो इसमें आपको कोई थकावट नहीं होने वाली। एंड थर्ड इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार है इन इंडिया। तो आपको एक बार इसे ले लोगे तो आपको कोई सेफ्टी वाइज सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो सेफ्टी फीचर्स है वो एडीएस लेवल 1 है एंड इसमें आपको 7 एयरबैग दिए जाते, तो सेफ्टी वाइज आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके जो बोनेट है इसका डोर थर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, वो आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला है। एंड इसका फोर्थ पॉजिटिव है इसके पावर स्पेक्स। आपको पेट्रोल में देखे तो 97 bhp ऑफ पावर एंड 350 nm ऑफ टॉर्क, एंड डीजल में देखे तो 350 nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलता है। और देखिए इसका जो पावर स्पेक वो पूरे सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, तो आपको एक एंथुसियास्ट हो आप डेफिनेटली एक्सयूवी 700 वो बाइक करनी चाहिए। इसके जो पॉजिटिव हो इसके जो नेगेटिव्स के ऊपर ओवरशैडो कर दे। तो अगर आपको ये गाड़ी में तो कहूँगा एक कंक्लूजन दो एक शॉर्ट, तो अगर आपको गाड़ी फटाफट मिल रही है तो इससे बढ़िया कोई गाड़ी ही नहीं बनी इस 50 lakh के ब्रैकेट के अंदर। अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी के साथ, आप सोच रहे हो कि स्कॉर्पियो लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप इसके जो इंटीरियर क्वालिटी एक ड्राइविलिटी देखें तो ये स्कॉर्पियो के सामने आएगी नहीं। आपको एक्सयूवी 700 वन ऑफ द बेस्ट कार है इन द 50 lakh ब्रैकेट। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे रोज 8 बजे रात को वीडियो आ जाते हैं, सो हमारे चैनल को मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको यूट्यूब पर कार्स, बाइक्स एंड प्री ओन कार्स, लग्जरी कार्स, ये सारी कार्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देने वाला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल को प्यार है, सपोर्ट है, अब जो कुछ भी करें वो सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो मेक श्योर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।